Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीनू सुना और हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान। अब्दुल बासित खान, ऐसा कि आज लग रहा है आपके नाम लेने का कि मतलब फायदा होगा कुछ। अब्दुल बासित खान ही बैठे हैं क्योंकि आज व्यूअर्स को लग रहा होगा कोई और है। अच्छा, इस वजह से? अरे यार, ये अब्दुल बासित खान ही बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पर, शायद पहचान ना। हाँ, मैंने पहचान लिया, पहचान लिया, आवाज से पहचान लोगे। अब्दुल बासित खान, अब्दुल बासित खान, आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं बिनिश कैरी मराठी की वीडियो है, सोशल मीडिया कल्चर। तो कैसे हैं आप लोग? शांत भोसड़ी के तुम्हारी मम्मी नहीं हो जिनके खाने में वही स्वाद दोबारा आने लगा है। खैर, ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, मुझे माफ कर दो। इस वीडियो में तुम ओ लेली भाई, लेली खोल के लेली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई, नहीं लिख पाओगे, लेकिन अपनी माँ की उम्र अभी भी मांग सकते हो। बात करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में और मेरा क्या अनुभव रहा है। हो सकता है ये वीडियो देखकर तुम्हारी पीठ में से पंख निकल जाए और तुम एंजल बन जाओ। हो सकता है तुम्हें मेरा नजरिया समझ ना आए और तुम बोलो ये क्या लौड़े का इन्फ्लुएंस है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हाथ मिला के कहना चाहूंगा इट्स ओके, मत मान। हाँ चुदा। ओ लेली भाई, लेली खोल के लेली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। जस्ट किडिंग। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पक्ष भी रख सकते हो अगर तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ गई हो तो। शर्म आती है, वो भी कमेंट करके मांगनी पड़ेगी। कह रहा हूँ यार, मुझे ज्ञान का चौदा कहने के लिए तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सोशल मीडिया और असली जिंदगी के बीच की लाइन बहुत पतली है, पर है बहुत जोर से है। जब तुम सोशल मीडिया पे बात करते हो तुम्हारे पास पहले से ही एक कॉन्टेक्स्ट होता है। किस चीज का कॉन्टेक्स्ट की चुदी? वो निर्भर करता है तुम किस साइट या ऐप पे हो। जैसे जब कोई टिंडर पे चैटिंग कर रहा है तो सबको पता है किस बारे में बात हो रही है। फाइनली ये प्लेटफॉर्म जहाँ बिना रोक टोक के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं। नमस्ते जी। लेकिन जैसे तुम टिंडर पे बात करते हो वैसे असली जिंदगी में करोगे तो सोसाइटी का थप्पड़ लगेगा और निष्कासित कर दिए जाओगे। ऐसी थूत रगड़ाई होगी जो कोहिनूर की चमक दे। और अब ये साइट ऐप सिर्फ एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुके हैं। जैसे यूट्यूब या रेडिट, जितना कूल तुम्हें कल्चर लगेगा उतना तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे। पहले तुम सिर्फ उन कूल लोगों को देखोगे, फिर तुम उन कूल लोगों को रेप्लिकेट करने की नाकाम कोशिश करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान बन जाएगी और उस वक्त जो लोग कल्चर में नए नए आए होंगे वो तुम्हें कूल समझेंगे। ये बात बड़ी क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ चाहे असली जिंदगी में लोग तुम्हें बोलते हो तेरा पसीना पे भोकड़ी आ गया इधर, पर वहाँ लोग तुम्हें तब भी क्यूट समझते हैं। उस कल्चर का हिस्सा होना जान बचा सकता है क्योंकि हम सबको एक ही चीज चाहिए, आपके नजदीकी चूतड़ों में नहीं, नहीं, हम जैसे हैं, हमें उस चीज की इज्जत चाहिए जो जगह वो देती है, हम वही के। हम सब इंटरनेट कल्चर का हिस्सा है जो और छोटे छोटे कल्चर्स में बटा हुआ है। ये छोटे छोटे कल्चर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभार एक दूसरे में घुल के एक बड़ा कल्चर बना लेते हैं। इसी खिलवाड़ को कहते हैं सोशल मीडिया कल्चर। सोशल मीडिया हमारे दिमाग की मन चीज है, चाहे कितना ही दर्द हो रहा हो खाते चले जाते हैं। इन्हीं भूखमंगी हरकतों की वजह से हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी आ चुकी है। पहले हम सोचते थे भाई रोनाल्डो बनूंगा नहीं तो शाहरुख खान तो बनना ही है, और अब हम सोचते हैं रोनाल्डो शाहरुख खान बाहर पे जाए डेड बल्जीरियन बनना शॉट पे शॉट मारने भाई। भोसड़े के दलाल नहीं हूँ मैं। इसी डाइवर्सिटी की वजह से कभी कभी हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, जब तुम अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करोगे तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हम सब कहीं ना कहीं मान्यता रखते हैं कि जिंदगी एक पिक्चर है और हम उसके हीरो, लेकिन जब ये हीरो का बबल फूटता है हमारी दुनिया बिखर जाती है। और सोशल मीडिया पे ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो सोचो, तुम एक लोअर मिडिल क्लास आदमी थे जिसकी जिंदगी में इतना पैसा नहीं था, लेकिन तुमने घिसाई करी और अब तुम एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। पहले ऑल्टो थी, अब होंडा सिटी आ चुकी है, 500 गज का मकान है, सब बढ़िया चल रहा है और तुम्हें लगता है तुमने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया है। अब तुम जाते हो सोशल मीडिया पे अपने साथ के एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी देखने। बिखर गई
दुनिया, हम सबको पीछे रहने का डर है। देखो दिक्कत तब नहीं है जब तुम और तुम्हारा दोस्त गरीब है, दिक्कत तब है जब तुम्हारा दोस्त अमीर हो गया और तुम अकेले गरीब बच्चे हो। सोचो तैमूर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसका 22.5 मीटर लंबा हाईवे पे पोस्टर लगा है, नेटवर्थ अपने बाप से भी ज्यादा हो गई है, लौंडा जिंदगी के सारे मजे ले रहा है और उसके दोस्त थेरेपी ले रहे हैं। बात उसके पेरेंट्स की नहीं है। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा सपना था कि मैं भी अपने दोस्त की तरह मिलियनेयर बन जाऊं। मैंने ऐप्स बनाए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, पर लगता है मेरा टाइम जा चुका है। कितने साल की हो? लोगों को 3 बताता हूं, वैसे 5। लेट हो भाई, अगले जन्म में ट्राई करो, क्या बताओ दोस्त तुम्हारा बाप बन जाए। मेक सेंस। इस बॉडी का कौन करेगा, आप करोगे? अब कुछ लोगों को ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि कैसे वो सोशल मीडिया पे नहीं है और उनकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। माय डोपामिन डोज इज नॉट सोशल मीडिया, इट्स नेचर। नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर का बात बनना चाहिए। नेचर नाक पे डसेगा, 15 मिनट में मौत हो जाएगी। 5 साल गुजरे और नेचर में पेड़ पौधे तुमसे बात करना चालू नहीं कर देंगे। एक कुत्ता अगर हड्डी ना चबा तो वो कुत्ता होना छोड़ नहीं देगा, चाहे तुम सोशल मीडिया चलाओ या ना चलाओ, हमारी जिंदगी बिखरती रहेगी और डालनी पड़ेगी। क्या ज्ञान की चुदी आदत। सोशल मीडिया पर जिंदगी सिर्फ दिखती ही नहीं, बनती भी है। जिनकी थाली सोशल मीडिया भरता है उन्हें कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। वो किसी गैंग की चूड़ी? आओ तुम्हें उदाहरण देता हूँ। मीवी की सेल चल रही है, मीवी डुओ पॉड्स 825-999 में मिल रहे हैं। इसका बेस शरीर में लगते ही हड्डियाँ कड़कड़ा देता है। इसके बड्स में 13 mm ड्राइवर्स है जिसकी भारी ट्यूनिंग कर रखी है ताकि तुम कुछ भी सुनो तुम्हारे घोड़े खुल जाए। बैटरी बढ़िया है तो तुम घंटों तक अपनी दुनिया में खो सकते हो। और ये है भर गई थाली। इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं? इन्फ्लुएंसर बनने से पहले हर प्राणी इंटरनेट के कल्चर का हिस्सा होता है, लेकिन वो कुछ अनोखी और नई चीज लेके आता है जो उस कल्चर के बाकी लोगों को आनंद दिला देती है। लेकिन इतना काफी नहीं है, वो प्राणी इन्फ्लुएंसर तब घोषित किया जाता है जब वो अपने कल्चर की आवाज बन सके। पर इन्फ्लुएंसर और उसके कल्चर की लव स्टोरी के बीच आते हैं हेटर्स। अब ज्यादातर इन्फ्लुएंसर से जब पूछा जाता है हाउ डू यू डू हैंडल हेट, आई डोंट गिव देम एनी मेंशन स्पेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, प्यार खाओ, प्यार बांटो, पीस, एक्स एक्स हार्ट साइन। लेकिन फिर अपनी स्टोरीज में बड़े बड़े पैराग्राफ छाप देंगे, #StopHate का कैंपेन चालू कर देंगे। हाँ चलाते हैं हम बोथ साइड, क्या कर लोगे? आधार कार्ड निकलवाओगे? अपने कटर में लगी काय भी लगे लो तुम सुअरों को, आपकी बात नहीं हो रही है। इरादा बुरा नहीं है, पर अपनी विशेष अधिकारी कार्ड को BMW में बिठा के सिंपथी मांगोगे तो कतई चूतिया लगोगे। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति बढ़ती है उस पे दूसरे कल्चर की आंखें भी पड़ती है, लेकिन हर इंटरनेट कल्चर अलग है। अगर वो इन्फ्लुएंसर उनके कल्चर से उल्टी बात कर रहा हो तब वो लोग बन जाते हैं हेटर्स। इन्फ्लुएंसर्स और हेटर्स के बीच एक खेल चलता रहता है जहाँ दोनों पार्टी अपने कल्चर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों एक कल्चर का हिस्सा होते हैं, तब वो हेटर सपोर्टर में बदल जाता है। जैसे वो दोनों अलग कल्चर में जाते हैं कहानी वापस पलट जाती है। और क्या तुम्हें पता है, मैं 2 साल पहले टैक्सी चलाता था, फिर मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे बताने को तो मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन बिना सबूत के बातें सिर्फ बकचोदी लगती है। इस वीडियो में ये जो 3 लौंडे हैं, इन्हें मैंने बनाया था अपने हेटर्स के साथ घुलने के लिए। हाँ, 007 वाली बकचोदी। खैर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सिर्फ तुम्हारी टांग नहीं खींचते बल्कि तुम्हारी टांग को धीरे धीरे काट के तुम्हारी आंखों के सामने खाते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है रेडिट, जहाँ लोगों से ज्यादा एक कुत्ते की इज्जत की जाती है। ये तब भी ठीक है वरना ट्विटर पे खुद #BanTwitter ट्रेंड कर रहा होता है। खैर मैंने इन 3 लौंडों का एक रेडिट पेज बनाया जहाँ मैंने अपने आप को हिट करते हुए मीम्स डाली। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रेडिट मेरे बीच कुछ सामान्य नहीं था, तो मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जो कटने के लिए तैयार हो। मैं इसकी वजह से मुझे रेडिट पे वो मिली जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इज्जत। लेकिन कुत्ते जितनी नहीं। तब मुझे समझ में आया उनका इंटरनेट कल्चर। उस पेज के जरिए मैं लोगों के साथ खेल कूद सकता हूँ, पर असल में इनकी और मेरी दुनिया का कोई तालमेल नहीं है, तभी मुझे वो हेटर्स लगते थे। मैं उस पेज पे अभी भी जाता रहता हूँ और हम एक दूसरे की टांग खाते रहते हैं। वाओ क्या लव स्टोरी है। जब कोई व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे हेट कमेंट छोड़ता है तब वो उस इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं
नहीं बल्कि उस व्यक्ति और उसके इंटरनेट कल्चर के बारे में है। इन्फ्लुएंसर और हेटर्स दोनों का एक ही मकसद है, अपने इंटरनेट कल्चर को सबसे क्यूट साबित करना। एक हेटर इन्फ्लुएंसर से नहीं, इन्फ्लुएंसर के ख्यालों और हरकतों से ट्रिगर होता है। देखो ये वो वीडियो नहीं है जहां मैं तुम्हें बताऊं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूध पीते बच्चों से लेके चाय गटकते बुड्ढों तक कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अपने कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर हम उनसे वो छीन लेंगे तो सोशल मीडिया का पॉइंट ही क्या है। सोशल मीडिया पे तुम बकचोदी भी कर सकते हो और ढूंढ भी सकते हो, लेकिन यह अकेला तुम्हारा नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। यहाँ अंबानी से लेकर रिक्शा वाले तक सब सामान्य हैं। बेचारे बड़े लोग, उनसे असली जिंदगी में सब सरसर करके बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक खोके वाला गांडू लिख के चला जाता है। बताओ एक अमीर इंसान कैसे जिए ऐसी दुनिया में। बेचारे भागे भागे जाते हैं पूरी दुनिया को बताने, एक खोके वाला मुझे गांडू कह रहा है। हमें जैसी जगह चाहिए, सोशल मीडिया हमारे लिए वो जगह बन जाती है। कुछ लोगों के लिए काम की जगह, कुछ लोगों के लिए बकचोदी की, कुछ लोगों के लिए ये बस एक कबाड़ है जहाँ वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और यही है सोशल मीडिया का जादू। अब इससे ज्यादा ना तो मैं ज्ञान छोड़ सकता हूँ और ना तुम ले सकते हो। तो यार बस ये टेडएक्स वाली बकचोदी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हारा मुकुट चक्र खुला तो लाइक मारो, एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए, ताकि मैं शॉर्ट्स डालने पे मजबूर ना हो जाऊं। और मेवी की इंडिया की आवाज की सेल चल रही है, सारे प्रोडक्ट्स पे 70% तक ऑफ चल रहा है। तो भक्के mevi.in पे जाओ, डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं खाना बनाना सिखाता हूँ और रोज 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। तब चलो यार, तुम्हारी तरफ वेल्ला नहीं हूँ कि यूट्यूब पे बस बकचोदी करे जाऊँ, असली काम भी है मुझे। हाँ तो भाई विनेश, सर या हेटर मतलब कभी ये कभी हर बंदा होता है यार, कभी ये कभी कमेंट में क्या इसको तो आता ही नहीं है, इससे होता ही नहीं है। नहीं जिससे होता है ना उसको भी यही कहा जाता है, उसको भी यही कहते हैं हेटर। वहाँ हेटर बन जाते हैं, वो हेटर होते हैं, वो हेटर अपने कमेंट में भी देखती हो ना तुम। हाँ कमेंट में, लेकिन हम लोग मतलब नहीं हंसते हैं, मजा आता है। हम तो ये कह रहे थे ना, चलो यार भाई अच्छी बात है कि टाइम निकाला, बड़ी बात है, कोई मसला नहीं है, चलो भाई ऐसा सोच रहा है अच्छा करके दिखाएंगे। गलती बता दी, होते हेटर ही है। हम बोले ना बोले समझ तो गए होंगे। अच्छा मुझे मतलब ये मैंने उसमें देखा वीडियो में, तो एक सवाल मेरे भी दिल में आया, पहले से आता था मुझे, मैंने कहा शायद ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है। मैं ये वाला कमेंट देखती हूँ कि हर ज्यादा से ज्यादा वीडियो के नीचे मेरी आदत है, जब भी मैं कोई वीडियो खोजना तो पहले कमेंट्स में जाती हूँ, भले कोई ड्रामा हो मूवी हो, कमेंट्स में जाती हूँ कि क्या कमेंट है। उसमें ये कमेंट लाजमी भरे पड़े होते हैं, पेरेंट्स की लंबी उम्र के लिए दुआ। ये क्या होता है मैं तो उसी को सिर्फ लाइक नहीं करती, सिर्फ उसी कमेंट को मैं लाइक नहीं करती, सीरियसली पता मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मतलब वीडियो मुझे पता है कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ बिना वजह। बात ये नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब वीडियो क्या है, क्या एक होता है ना बिल्कुल कोई ऐसी वीडियो है या बड़ी कोई लाजमी, ये कमेंट लाजमी होगा। हाँ कोई नॉलेज वाली वीडियो है, चलो फिर भी उसे नहीं देना चाहिए, आपने वीडियो समझ आता है। कौन सी मूवी है, कौन सा ड्रामा है, क्या वीडियो फिल्म ड्रामों की सीनों की डली है, उसका आप सब देख रहे हैं, कमेंट लिखते हैं ना सब देख रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है, और अब तुम्हारी वीडियो तुम्हारी वीडियोस पे आएंगे ये कमेंट, जैसे खोलोगे ना सबसे ऊपर कमेंट। नहीं मतलब वैसे भी जब हम यार पे करते हैं तो सबके लिए करते ही है ना, ये बाहर बिल्कुल है उनके दर्जा बुलंद है, लेकिन वो लाइफ के लिए वो मतलब इसमें नहीं, लेकिन लंबी उम्र नहीं होगी, अटेंशन सीकर होते हैं, लंबी उम्र नहीं होगी कि हमारे इसलिए चले गए, हम लिखते नहीं थे, लाइक करने से एक मिनट बढ़ जाएगा ना, नहीं हम नहीं लिखते थे इसलिए हमारे चले गए, हमने कमेंट कभी नहीं किया। कहा है कैरी मिनाटी ने 5 मिलियन लाइक को अपने गोल रखा, अब तुम अपनी इस वीडियो में कितने लाइक गोल रखे ये बता दो। 10 मिलियन सिर्फ 10 मिलियन सिर्फ 10 विनेश ने बोल दिया। क्योंकि मैं किसी कॉपी तो करती नहीं हूँ। मैंने बोला कि चलो 1 मिलियन ही ठीक है, दस चाहिए कहे, चले ठीक है मुझे और ये अब्दुल बासित खान ही है, हम दोनों को इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।